हेलो, 1 महीना हो गया क्या? हाँ, 1054 इज़ हियर बिचेस। एंड सच्ची में दिस चैप्टर वॉज अ हार्ड स्लैप टू द पीपल हु क्रिएट देयर ओन थ्योरीज। सेम टाइम पे हो रहे 3 डिफरेंट सिचुएशंस को कवर किया है ओडा ने इस चैप्टर में, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं। बात करते हैं तीनों के बारे में। चैप्टर अभी तक रीड नहीं किया है तो कर लो, तभी रिलेट कर पाओगे मेरे ओपिनियन से। एंड एज यू ऑल नो कि मैं एक्सप्लेन तो करता नहीं है चैप्टर, तो जल्दी से जाके चैप्टर रीड करके आओ, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करो। और ये देखो मेरा लेम एस लो एफर्ट इंट्रो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन की, जो कि वानों के अंदर हुआ है। एंड एम आई दी ओनली वन जिसको रियोकोग्यू फुद्दू लगा इस चैप्टर में? लास्ट चैप्टर में आई रिमेंबर रियोकोग्यू एकदम बैड एस चिल एडमिरल लग रहा था, बट इस चैप्टर में ही इज़ एक्टिंग लाइक एन ऑफेंडेड चाइल्ड। ज़बरदस्ती का जोश दिखाया रियोकोग्यू ने। अब मुझे रियोकोग्यू, एक तो इसका नाम भाई, ये हर आसान ग्रीन बुल इतना जम नहीं रहा। वेल, मोरी मोरी नोमी हा, ओडा की तरफ से थ्योरीज बनाने वालों को पहला चाटा, फॉरेस्ट गॉड है ले नया लो गया। एक जो चीज़ जो ज़रूरी था कंफर्म होना और वो इस चैप्टर से हुआ भी, वो ये है कि कॉन्करर था कि इन्फ्यूजन से लोगिया यूजर्स को भी हर्ट किया जा सकता है। मुझे ये जानना था, क्योंकि अगर ऐसा होता कि हाउशोकू इन्फ्यूजन से लोगिया फ्रूट यूजर्स इम्यून है, फिर ये चीज़ अकाइनो जैसे कैरेक्टर्स को एक अपर एडवांटेज देता काइडो जैसे कैरेक्टर्स के कंपेरिजन में अगेंस्ट लूफी जैसे कैरेक्टर्स। बट नहीं, लोगिया भी पिट सकते हैं हाउशोकू इन्फ्यूजन से, सिर्फ आर्मामेंट हाकी से ही लोगिया को हराया जा सकता है, ऐसा केस नहीं है। रोक्योग्यू के ज़बरदस्ती के जोश को मस्त यामाटोवा के ठंडा कर दी। आई लव्ड दैट सीन। अगर इधर से हमें रियोकोग्यू वर्सेस यामाटो दिखेगा तो मज़ा आएगा। एक और जो चीज़ पता चला वो ये है कि रियोकोग्यू का लेफ्ट आई कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मल आँख ही है। रियोकोग्यू लेम लगा मुझे बहुत, होप्स कि आगे जाके हमें इसका कुछ बैड एस हरकतें दिखे। मोमो भी लेम हरकतें ही किया इस चैप्टर में, मतलब क्या कर रहा है भाई ये बंदा। अकाजाज को पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये चीज़ें आ चुके हैं ऑब्जर्वेशन हाकी में भी, और आई डोंट नो वाई अकाजाज बिना हाकी के रियोकोग्यू पे अटैक किए। मतलब स्ट्रॉन्ग मरीन के अगेंस्ट हाकी यूज़ करना तो एक नॉर्मल चीज़ होना चाहिए ना, बट क्या पता भाई रियोकोग्यू वो काटाकुरी जैसा अपना हरकतें कर रहा होगा, वो अटैक के अकॉर्डिंग बॉडी को मूव करने वाला। अभी वैसे इस भसड़ के चक्कर में आई वंडर लूफी इन्वॉल्व होगा कि नहीं, मैं बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है इधर पे हरकतें। इसके बाद का सिचुएशन दिखाया हमें वानों के बाहर का। वानों के बाहर शैंक्स चीचा आ चुके हैं समहाउ। इज दिस अ कोइंसिडेंस कि शैंक्स तभी आया जब लूफी योंको बना और रियोकोग्यू वानों में एनेक्स करने की कोशिश किया? बाय द वे, शैंक्स को देख के मुझे मेरे खुद के शक्ल की याद आ गई भाई, कसम से सेम, पता है एकदम भाई बाल सेम है मेरे अभी के टाइम पर, शैंक्स जैसे झाड़ बराबर दाढ़ी भी है, लमाओ मेरा भी। शक्ल से याद आया, क्यों ने देखा लास्ट वाला। वैसे इट्स क्वाइट नाइस टू सी शैंक्स रिएक्टिंग ऑन लूफीज पोस्टर। सोच रहा होगा भाई कि 2 साल पहले इसका 30 मिलियन वाला पोस्टर देखा था और अब ये 3 बिलियन पे चले गया है। शैंक्स ने जो बोला कि चलो बैक, अब वन पीस पाने चलते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन उठते हैं। पहला कि वो वानो क्यों आया है, लूफी से मिलना तो आया नहीं है, फिर वानो में वो पोनेग्लिफ लेने आया है क्या, या फिर मे बी वो कुछ और हरकतें करने आया है, और अभी वो किधर जाएगा? वो वानो जाएगा कि वापस कहीं निकल जाएगा? एंड द वे शैंक्स ने बैकमैन को बोला, डज ही नो वॉट वन पीस इज, आई गेस शैंक्स को देख के अच्छा लगा। लेकिन ये बेस्ट पार्ट नहीं लगा मुझे, क्योंकि इसके बाद का सिचुएशन भाई साहब सबसे सैक्स। थर्ड सिचुएशन दिखा है पूरा अकाइनो वाला, और इधर पर ओडा ने एक और चाटा मारा है थ्योरी बनाने वालों को, इंक्लूडिंग मी, जिसकी वजह से मुझे ये वाला सिचुएशन सबसे बेस्ट लगा। साबो पर जो भी थ्योरीज बनाया था सब ने, सब गलत हुआ भाई। इस पूरे व्हाट हैपेंड टू साबो वाले मिस्ट्री का आंसर जो मिला है ना हमें, इसे पता है एक सीख मिलती है कि हर जगह ज़्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं है। आई एम श्योर किसी ने नहीं सोचा होगा भाई कि साबो कुमा को फ्री करा के उधर से भग गया, ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ कोई नहीं सोचा होगा भाई, सबको बस ज़्यादा दिमाग लगाना था कि ये मर गया वो मर गया, साबो जेल में घुस गया होगा, साबो मर गया होगा, वही लॉल मोमेंट हो गया। वैसे एक चीज़ जो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट फुद्दू है, इस चैप्टर में भी वो चीज़ प्रूव हो गया।
सांपों को कोबरा के डेथ के लिए इन्होंने फ्रेम किया ताकि उसका इन्फ्लुएंस गिर सके, और उल्टा ही हो गया भाई। लोग अब सांपों को हीरो बना दिए बोल के कि 20 किंगडम्स की अलायंस में से एक के राजा को मारा है इसने। अनदर लॉल मोमेंट, वीवी को आई गेस साबो लेके गया है ताकि उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट टारगेट ना करे। इसके अलावा हम लोग को एक नया कैरेक्टर दिखा है तेन से, एंड ये जो कैरेक्टर है ये अकाइनो जैसा नहीं लग रहा, बट जो भी इसको अकाइनो का बेटा बोलने वाला है ना, आई नो चार्लोस जैसे कम उम्र के बुढ़े कैरेक्टर्स है वन पीस में, बट कम ऑन यार, दिस गाय डज नॉट लुक लाइक अकाइनो का पुत्र एट ऑल। ही इज मोर लाइक ब्रदर और समथिंग। मैं क्यूरियस है जानने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग है और इसके कैसे टाइप के पावर्स है और इसका क्या कनेक्शन है काइनो के साथ। साबो का न्यू टाइटल बैड एस, और जैसा मैंने बग्गी वाले वीडियो में बोला था कि लूफी का योंको टाइटल इज एन ऑफिशियल वन, किज़ारो ने कन्फर्म कर दिया इस चैप्टर में सेम चीज़ को। ओवरऑल ये चैप्टर बहुत अच्छा था, स्पेशली प्लॉट वाइज। एक्शन तो थोड़ा ही दिखा, बट हाइप क्रिएटिंग चैप्टर था ये, एंड ये उस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहा, हाइप क्रिएट हो चुका है भाई। वैसे लॉन्डो तुम्हें भी रियोकोग्यू का लोगिया फॉर्म में चेहरा यंग यासुई जैसा लगा क्या? मुझे तो लगा। वेल, मुझे पता है कि अब कुछ लोग कूद के बोलेंगे कि देख भाई रियोकोग्यू तो यामाटो से पिटने लग रहा है, लूफी ज़ोरो तो कच्चा चबा जाएंगे ऐसा वैसा। नॉट रियली, वी कांट से येट। रियोकोग्यू कितना स्ट्रांग है अभी भी नहीं पता हमें। आई रिमेंबर यामाटो जब काइडो को हाउशोको इन्फ्यूजन करके मारी थी तब काइडो ब्लीड किया था, बट यहाँ पर यामाटो के अटैक खाने के बाद भी रियोकोग्यू को लगा ज़रूर है, बट कोई वाउंड नहीं दिख रहा है, तो वी कांट से फॉर श्योर कि कितना स्ट्रांग है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यामाटो फुल पावर में खुद अटैक नहीं की, या फिर जो अटैक यामाटो ने काइडो पे किया था वो स्ट्रॉन्गर अटैक था, बट वॉट आई एम सेइंग इज कि अभी से इस बंदे को वीक मत समझने लग जाओ। इसको थोड़ा एक्शन में देखते हैं फिर जज करेंगे इसको, भाई जज करने में तो वैसे भी हम बेस्ट हैं। इसके अलावा जो शैंक्स है वो क्या अभी वानो आएगा? क्योंकि वन पीस चाहिए तो रोड पोनेग्लिफ्स चाहिए होगा, और उसके लिए फिर शैंक्स को लूफी को कन्फ्रंट भी करना होगा, जो कि वो अभी नहीं करना चाहता। क्या उसके पास कोई और तरीका है वन पीस खोजने का? और अगर शैंक्स अभी वानो आया तो क्या उसका और रियोकोग्यू का फाइट होगा? और ये शैंक्स बार्थोलोमियो के साथ हरकतें करने वाला क्या कुछ? भाई बहुत क्वेश्चंस है, लाइक लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस है। इस चैप्टर को देख के मुझे ऐसा लगा कि शैंक्स इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ गुड गाय, ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, बट ओवरऑल ही माइट बी अ ईविल गाय। वेल, मे बी इट्स जस्ट मी ओवर थिंकिंग शिट, एंड जो साबो वाला हरकत बताया है ओडा ने, आई वॉन्ट टू नो कि उसमें बॉनी का क्या रोल है, क्योंकि एज यू नो कि अभी तक सारे ही सुपरनोवा का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हरकत दिख गया है हमें, बॉनी इज़ द ओनली वन लेफ्ट, और उसका हरकत हिंट हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोबरा को असैसिनेट करने वाली बॉनी ही है? जो कि एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बॉनी का कनेक्शन अकाइनो से है संभव, तो मे बी शी वर्क्स एज एन असैसिन फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ। आंट सांड वाला शैंक्स का फ्लैशबैक देख के मेरे को हंसी आ गया भाई। आंट सांड का लेम रिएक्शन वे मस्त। एंड बस इतना ही बात करना था मुझे इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है और मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मैं स्पॉइलर भी अवॉइड करने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर का मस्त। तुम अपना फेवरेट सीन इस चैप्टर का कमेंट में बता सकते हो। मुझे तो लास्ट पैनल बेस्ट लगा अकाइनो वाला, और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।